कल रात पट्टी कटला में और होली दड़ा में वितरित हुआ अन्नकूट। ब्रजेश्वरी मंडल ने भी दी भजनों की प्रस्तुति। बड़ी संख्या में अन्नकूट का आनंद लेने पहुंचे श्रद्धालु। कल रात पट्टी कटला स्थित राम मंदिर और होली दड़ा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्वादिष्ट अन्नकूट का आनंद लेने पहुंचे। साथ ही अन्नकूट महोत्सव में ब्रजेश्वरी मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें राम जी के, हनुमान जी के, माता के एक से एक भजन प्रस्तुत किए गए। ये मानस मंडल है, यहाँ राम दरबार है, पट्टी कटले में स्थित है और आज यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव है और ब्रजेश्वरी मंडल की तरफ से यहाँ भजन का आयोजन है। अन्नकूट का प्रसाद है और यहाँ पे राम आरती होगी, सबको ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा और हर छोटे कोई भी भाग उत्सव होता है या दिवाली मिलन होता है, जो भी होते हैं सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में सभी होते हैं और ब्रजेश्वरी मंडल की तरफ से यहाँ भजन कीर्तन किया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है। आज किस तरह के भजन हो रहे हैं? आज राम जी के, कृष्ण भगवान के, हनुमान जी के, सभी के भजन थे। मीरा बंसल। यहाँ आज मानस मंडल के अंदर श्री भगवान रामचंद्र जी का उत्सव मनाया जा रहा है और ये मानस मंडल की स्थापना 1956 से हुई भी है, तब से आज तक हमेशा यहाँ पे रामचंद्र भगवान का उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी, हनुमान जयंती सभी पर यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है और हम महिला मंडल के द्वारा, ब्रजेश्वरी मंडल के द्वारा यहाँ पर भजन की प्रस्तुति दी जाती है और सभी महिलाएं बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से और मन में सौहार्द लेकर यहाँ पर आती है और अपने गायन को प्रस्तुत करती है। और आज यहाँ पर अन्नकूट का उत्सव मनाया जा रहा है जो सभी में वितरित होगा, सभी लोग आएंगे, प्रसाद पाएंगे और भगवान के भजन गाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम उषा अग्रवाल। का मंदिर होलदड़े पे स्थित है, यह कम से कम भी 200 साल पुराना है ऐसा हमारे बड़े कहते आए हैं और जो इसकी मान्यता करता है उसकी पूरी मान्यता होती है। तत्पश्चात यहाँ अक्सर कर चोड़े चढ़ते रहते हैं और मंगलवार के दिन आज अन्नकूट का महोत्सव है। हर वर्ष की भांति पूर्व में भी इसी तरह अन्नकूट मनता है और आसपास के एरिया के सभी प्रसाद लेने हैं जो इकट्ठे होते हैं, जो आप स्वयं देख रहे हैं। आपका नाम? मैं हीराचंद विजयवर्गी होलदड़े पे रहता हूँ।